नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है करमबाड़ा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रमण और हीरालाल था। दोनों स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। रमण बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं हीरालाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वे अच्छी फसल उगाकर उसे बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हीरालाल खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रमण खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारों की। तो घर आकर हीरालाल ने रमण से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की थी। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमण बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की तभी तो इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और मेरे भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार हीरालाल है। फिर भी रमण की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरी चावल दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाने हैं। कल दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूँगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमण और हीरालाल चावल की बोरी लेकर अपने घर चले आए। मेहनती हीरालाल ने रात भर बिना सोए चावल कंकड़ को अलग अलग किया, लेकिन रमण चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हीरालाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर वह सरपंच के पास पहुंच गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमण वैसी की वैसी बोरी लेकर सरपंच के पास पहुँच गया। सरपंच ने रमण से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमण ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। अब उनकी चावलों की बोरी को खोला गया तो उसमें से चावल और कंकड़ वैसी के वैसी थे। सरपंच ने रमण को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा हीरालाल को दिया। इस घटना के बाद रमण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी हीरालाल की तरह खेतों में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उनका साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।